असलकम माई डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मस एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट इन देंस इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स में इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है चलिए बिफोर डिस्कसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार फिर से पॉपुलेशन क्या होती है जो कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी विच यू ऑलरेडी नो बस यहाँ पे केवल हम इसको रिवाइज करेंगे पॉपुलेशन टर्म को और दूसरी टर्म वो है पॉपुलेशन ग्रोथ वो है पॉपुलेशन ग्रोथ इन दो टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिकैप्चुलेट करेंगे रिवाइज करेंगे उसके बाद हम अपने टॉपिक ग्रोथ फॉर्म पे आ जाएंगे ठीक है ना बेटा ओके तो पहली टर्म जो है वो है पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होती है शाबाश क्या होती है बेटा पॉपुलेशन पॉपुलेशन इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम ये ऑर्गेनिज्मों का एक ग्रुप होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज एक ही स्पीशीज के होंगे of same species interbreeding among themselves interbreeding with one another the organisms interbreed with one another and live in a particular space and live in a particular space और पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम उस ग्रुप ऑफ ऑर्गैनिज्म को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन क्या होता है पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिजुअल्स इंडिजुअल्स का एक ग्रुप जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता हो जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हो इंटरब्रीडिंग इज एसेंशियल और जो किसी ख़ास जगह पाए जाते हों किसी ख़ास वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एन एरिया ऑफ कुलगाम ये कुलगाम का एक एरिया मैंने यहाँ पे लिया इस कुलगाम के एरिया में मैं देख सकता हूँ कुछ इंडिजुल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर द the... इंडिजअल बिलोंगिंग टू होमोसेपियानस दिस इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानों का ग्रुप है यहाँ पे ह्यूमनज लिव हेयर और ये जो ह्यूमनज यहाँ पे लिव करते हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसी साल की पॉपुलेशन है दो हजार बीस की तो मैं क्या कहूँगा ग्रुप ऑफ इंडिजल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज विच इंटरब्रीट एमंगल लिव एट ए पर्टिकुलर स्पेस किसी खास जगह ये प्रजेंट हो खास जगह कौन सी है बेटा यहाँ पे कुलगाम है और किसी खास टाइम में खास टाइम कौन सा है बेटा 2020। इसका मतलब है जगह का होना भी खास है किस जगह की पॉपुलेशन की हम बात करें और टाइम का होना भी खास है क्योंकि अगर कोई बंदा 2019 में कुलगाम की पॉपुलेशन काउंट करेगा वो 2020 से डिफरेंट होगी इसका मतलब है टाइम का होना भी ज़रूरी है कुलगाम की पॉपुलेशन 2019 में जो थी वही पॉपुलेशन 2020 में नहीं हो सकती और वही पॉपुलेशन 2021 में नहीं हो सकती इसलिए हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग एट ए पर्टिकुलर स्पेस एट पर्टिकुलर टाइम तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन नाउ ये जो पॉपुलेशन है

पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे बी टर्मड एज पॉपुलेशन ग्रोथ और समटाइम वी कैन डिफाइंड इट इज एज इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स और इट कैन भी डिफाइंड एज इट इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स चेंज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स कितने इंडिविजुअल होंगे पॉपुलेशन में क्या वो इंक्रीज करते हैं इफ दे आर इंक्रीजिंग वी कैन सी दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इट शोज इंक्रीज कभी कभार कोई पॉपुलेशन ऐसी भी हो सकती है विच विल शो डिक्रीज इसलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल जो शब्द करेंगे वो है चेंज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ बेटा याद रखिएगा इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स लाइक इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड अपॉन द नेटेलिटी और जिसको हम अपनी भाषा में बर्थ रेट बोलते हैं बर्थ रेट ओके okay. नेटेलिटी पे ये डिपेंड करती है नेटेलिटी आपने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया नेटेलिटी इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिजुअल्स ड्यू टू न्यू बर्थ्स। न्यू बर्थ्स जितने भी होंगे पॉपुलेशन में उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट कितने इंडिजुअल न्यूली एड होंगे कितने इंडिविजुअल्स न्यूली ऐड होंगे किस रफ्तार से वो न्यूली इंडिविजुअल्स ऐड होंगे दिस इज कॉल्ड एज नेटेलिटी आर नेटेलिटी रेट आर बर्थ रेट तो बर्थ रेट जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन विल इंक्रीज तो इससे क्या होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन दूसरा फैक्टर जिसपे पॉपुलेशन डिपेंड करती है दैट इज मॉर्टिलिटी मॉर्टलिटी और डेथ रेट ये जो मॉर्टलिटी और डेथ रेट होती है ये इस पे इससे इंक्रीज या डिक्रीज होगी इनसे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इससे डिक्रीज इन पॉपुलेशन होगी कितने ऑर्गेनिजम मरेंगे एक पॉपुलेशन में कितनों की डेथ होगी तो डेथ के कारण ओब्वियसली पॉपुलेशन तो डिक्रीज होगी सो वी कैन से दैट नेटेलिटी अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी मॉर्टलिटी और डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी थर्ड फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो है इमिग्रेशन, वो है बेटा इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है इमिग्रेशन इट इज द परमानेंट अराइवल ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ए पॉपुलेशन इट इज परमानेंट अराइवल परमानेंट अराइवल ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ए पॉपुलेशन इनटू ए पॉपुलेशन क्या मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉपुलेशन है यहाँ पे पॉपुलेशन ए इसमें ये इंडिविजुअल्स हैं और अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल आएगा बाहर जो इसके सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ से कोई इंडिविजुअल आएगा और वो इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में ऐड होगा वो यहाँ पे बसने आएगा इस ए पॉपुलेशन में और अगर वो यहाँ बसने आया और वो परमानेंटली यहाँ पे रिसाइड करेगा फॉर एवर के लिए हाँ परमानेंटली इसकी अराइवल यहाँ पे हुई तो उस आ, उसको हम नाम देंगे इमिग्रेशन तो इमिग्रेशन का मतलब क्या है इट इज़ अ परमानेंट अराइवल ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन टू ए पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज है ना पॉपुलेशन विल इंक्रीज अगर यहाँ पे सौ बंदे रहते थे बाहर से और पचास आ गए यहाँ पे रहने तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सौ से अभी डेढ़ सौ बन जाएगी चौथा फैक्टर जिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है वो है बेटा इमाइग्रेशन वो है बेटा इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन का मतलब क्या है देखिए अगर यहाँ पे ये कोई पॉपुलेशन है ये इसके है दिस इज ए पॉपुलेशन इस ए पॉपुलेशन में कुछ इंडिजुअल बाहर जाएंगे वो इस पॉपुलेशन को लीव करेंगे परमानेंटली दे विल गो टू अदर एरियाज तो नतीजा क्या निकलेगा इस ए पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी तो उस मूमेंट को हम नाम देते हैं इमाइग्रेशन इट इज द परमानेंट डिपार्चर तो ये क्या बन गया इट इज द परमानेंट डिपार्चर ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज द परमानेंट डिपार्चर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन तो इसके कारण क्या होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगी एक किसी खास पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम रेफर करेंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो चार फैक्टर्स पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है वन इज नेटेलिटी अनदर इज मोर्टिलिटी एंड नंबर थर्ड इज इमिग्रेशन एंड नंबर फोर्थ इज इमाइ्रेशन तो दो फैक्टर्स आपने याद रखे वट इज पॉपुलेशन एंड वट इज पॉपुलेशन ग्रोथ और एक फैक्टर यहां पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे वो है कैरिंग कैपेसिटी देखिए बेटा ये थर्ड टर्म आपको याद रखनी है कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है सपोज दिस इज ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स दिस इज ए पॉपुलेशन सपोज दिस इज पॉपुलेशन एक्स ये जो एक्स पॉपुलेशन है ये किसी एरिया में रहती है और ये जो एरिया है ये एरिया इस पापुलेशन को सप्लाई करता है रिसोर्सेस क्या करता है बेटा रिसोर्सेस रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर ये इसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है लेकिन ये जो एरिया है ये जो सराउंडिंग इसको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है उन चीज़ों के कारण ये पॉपुलेशन ग्रोथ करती है लेकिन ये जो एरिया होता है इसकी एक क्षमता होती है सपोज दिस एरिया इट कैन सपोर्ट हंड्रेड इंडिविजुअल्स कितने हंड्रेड इंडिविजुअल्स ऑफ है पॉपुलेशन सपोज यहाँ पे सौ बंदे रहते हैं और इन सौ बंदों को ये एरिया अच्छे से फीड कर सकता है अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है है कि नहीं सो हम कह सकते हैं इस एनवरानमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है हंड्रेड अगर ये पॉपुलेशन अब हंड्रेड से ज़्यादा बढ़ गई ये बन गई एक सौ पचास तो पचास और इसमें ऐड हुई इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी ये सौ को फीड कर सकता था सौ को ये अच्छे से रिसोर्स दे सकता था लेकिन पॉपुलेशन डेढ़ सौ तक डेढ़ सौ तक पहुँच गई तो इसका मतलब है दिस पॉपुलेशन इट हैज़ क्रॉसड द कैरिंग कैपेसिटी ये कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गई जब एक पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ती है तो नतीजा ये निकलता है फिर उसके जो मेंबर होते हैं उनकी डेथ होती है तो इस की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी इट इस कैरिंग कैपैसिटी वॉज टू फीड टू प्रोवाइड रिसोर्सिस टू हंड्रेड इंडिवजल सो वी कैन डिफाइन कैरियंग कैपेसिटी इट इज द मैक्म नंबर ऑफ इंडिजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड विद ओप्टिम रिसोर्सिस फॉर दियर हेल्थी लिविंग तो कैरियर कैपेसिटी क्या होती है बेटा कैरियर कैपेसिटी इट इज द मैक्म नंबर ऑफ इंडिजुअल मैक्मम नंबर ऑफ इंडिजुअल ऑफ ए population which can be provided which can be provided with optimum with optimum resources with optimum resources for their for their healthy लिविंग। दैट कैपेसिटी इज टर्मड एज कैरिंग कैपेसिटी। तो तीन चीजें आपने याद रखी पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कैरिंग कैपेसिटी। नाउ वी विल कम टू अवर मेन टॉपिक विच इज टू बी डिस्कस्ड टूडे दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मस चलिए अब इसको हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें आपने जहन में रखी पॉपुलेशन रखा पॉपुलेशन ग्रोथ रखा और कैरियंग कैपेसिटी

Pattern It is the graphic pattern obtained. It is the graphic pattern obtained when a population growth, when a population growth is plotted. वेन ए पॉपुलेशन ग्रोथ इज पलॉट एगेनस्ट टाइम अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को प्लॉट करेंगे एक ग्राह के दौरा एगेनस्ट टाइम तो उस प्रजेंटेशन को हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म ओके और इट कैन बी टर्मड एज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल फॉर्म और इट इज ऑल्सो टर्मड एज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ठीक है बेटा और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म है बेटा दे आर ऑफ टू टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ये मॉडल दे आर ऑफ टू टाइप्स नंबर फर्स्ट इट इज टर्मड एज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म और एक्सपोनेंशियल इसका दूसरा नाम है जे शेपड ग्रोथ फार्म जे शेपड इसको क्यों बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में और दूसरा क्या है दूसरा है बेटा लॉजिस्टिक दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ फार्म और इसका दूसरा नाम है एस शेपड ग्रोथ फार्म एस शेपड ग्रोथ फार्म तो ग्रोथ फार्म कितनी है बेटा दो ग्रोथ फार्म है वन इज Exponential growth form or J shaped growth form. Another is logistic growth form or S shaped growth form. So let us take the first growth form that is exponential growth form. Exponential growth form or J shaped growth form. और जे शेप्ड ग्रोथ फार्म इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पहले ओके बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्म में ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ ए पॉपुलेशन पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्म दिखाते हैं इसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे ग्रो विदाउट एनी लिमिटेशन दे ग्रो ये याद रखना है they grow without any limitation they grow without any limitation they grow without any limitation there is no limitation on them that is what does that mean that is they have abundant they have abundant availability of resources in को रिसोर्स की कोई कमी नहीं होती है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं इन इंडिविजुअल्स को जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पॉपुलेशन दीज आर द इंडिजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन दिस इज पॉपुलेशन ए इसके जो इंडिविजुअल्स हैं इनको नेचर से एनवरानमेंट से उस एरिया से सब कुछ मिलता है जो ग्रोथ के लिए इनको ज़रूरी है तो हम कह सकते हैं दे ग्रो दे विल शो ग्रोथ विदाउट एनी लिमिटेशन दे हैव एबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और एक चीज क्या याद रखनी है ये जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होंगे इनके पास इतने सारे रिसोर्स होंगे इतनी सारी सुविधाएँ होंगी इनको किसी के साथ कंपिटिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मीनज दैट दे डो नॉट शो कम्पिटिशन देर इज़ नो कम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल्स कम्पिटिशन कहाँ पर होता है बेटा कम्पिटिशन इज फॉर फूड कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ फूड कम हो कंपटीशन स्पेस के लिए होता है कंपटीशन किसी और चीज के लिए होता है लेकिन इनको सारी चीज़ें अवेलेबल है वो भी एबेंडेंट क्वांटिटी में तो ये कंपटीशन क्यों करेंगे कहीं नहीं करेंगे मीन इज़ दैट दे डो नॉट हैव कंपटीशन विद वन अनदर जब कंपटीशन नहीं होगी तो ग्रोथ ज्यादा होगी और एक चीज इसके अंदर ये होगी देयर विल बी नो प्रशन प्रॉब्लम प्रडेटर कोई नहीं होगा प्रिडेशन विल बी नॉट दियर ओके सो अल्टीमेटली दे विल शो मैक्सिमम ग्रोथ और एक चीज जब इनके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी तो दे विल रिप्रोड्यूस दे विल शो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन दे विल रिप्रोड्यूस एट दियर फिजोलॉजिकल कैपेसिटी मीन इज दैट दे विल रिप्रोड्यूस दियर फुलस्ट जितना हो सकेगा ये उतने ऑर्गेनिजम बनाएंगे को दे विल रिप्रोड्यूस एट अर फिजियोलॉजिकल दे विल रिप्रोड्यूस एट दियर फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी जितनी इनकी क्षमता होगी उतना ये रिप्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑल द मेटीरियल ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एबेंडेंट क्वांटिटी अब जब ये ग्रोथ करेंगे जो इंडिविजुअल जिनके पास ये सारी फैसिलिटी होंगी जब ये ग्रोथ करेंगे दे विल शो ग्रोथ इन जियोमेट्रिक रैशो दे विल शो ग्रोथ इन जियोमेट्रिक रैशो बेटा नॉट इन अर्थमैट्रिक रैशो देर आर टू रैशो जियोमेट्रिक एंड अर्थमैटिक जियोमेट्रिक रैशो में ये ग्रोथ दिखाएंगे क्या मतलब यहां एग्जाम्पल हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल ये दो ऑर्गेनिज्म होंगे दो से ये रिप्रोड्यूस करते करते जाएंगे चार बन जाएंगे चार से रिप्रोड्यूस करते करते ये बन जाएंगे आठ आठ से ये ट्रांसफार्म होंगे इंटू सिक्सटीन ऐसे ही कर करके ये थर्टी टू बन जाएंगे और ऐसे ही ऐसे सो वन एंड सो फोर्थ, सो दे विल रिप्रोड्यूस दे विल ग्रो इन जियोमेट्रिक रेशो, टू इंटू फोर फोर इंटू एट एट इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थर्टी टू दिस टाइप ऑफ रैशो इन मैथम इज मैथमेटिकली टर्मड एज जियोमेट्रिक रेशो तो ऐसे इनकी ग्रोथ हो जाएगी चलिए बेटा ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वेशन भी याद रखनी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल इक्वेशन ओके जिसको हम एक्सपोनेंशियल मॉडल इक्वेशन का नाम भी देते हैं इट इज द बेसिक एक्सपोनेंशियल मॉडल इक्वेशन वो इक्वेशन क्या है वो यू है हम लिखते हैं मैथमेटिकली डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशल ग्रोथ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन वायर देखिए वायर एन स्टैंड फॉर एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको हम दूसरा नाम देंगे पॉपुलेशन साइज एन विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन साइज बेटा है ना एन विल रिप्रेजेंट पॉपुलेशन साइज दूसरा जी जो सी जो इसमें टर्म आती है वो आती है बेटा आर आर क्या होता है आर क्या होता है आर इज सिंपली एंट्रेंसिक रेट ऑफ इंटरेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इंटरेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इट इज द इंटरेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज व्हाट इज इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बेटा आर कोई अब कहेगा सर ये इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये क्या होता है देखिए Intrinsic rate of natural increase it means it is the maximum potential of individuals of a population to reproduce. It is the maximum potential of individuals of a population. Individuals of a population to reproduce. kaha Shabash to reproduce. अंडर ए अंडर ए पर्टिक्यूलर अंडर ए पर्टिक्यूलर सेट ऑफ कंडीशंस अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन ये क्या हुआ बेटा आर सो एन बी हो गया आर बी हो गया अब और एक टर्म है इसमें और एक अल्फाबेट है दैट इज टी टी सिंपली रिप्रेजेंट इज बेटा टाइम टी सिंपली रिप्रेजेंटस टाइम अब अगर हम ये पूरा लेंगे डी एन बाई डी टी तो ये क्या है इट इज सिंपली चेंज इन पॉपुलेशन साइज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी तो ये बन गई इक्वेशन इक्वेशन क्या है अब बेटा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंडिजुअल टी स्टैंड टाइम आर स्टैंड फॉर इंट्रेंस क्रिएट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड एन इज अगेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको हम नाम देंगे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलिए अब अगर हम इस इक्वेशन का इसको हम इसकी हम इंटेग्रल फॉर्म लेंगे क्या लेंगे बेटा इंटेग्रल फॉर्म। अगर हम इसी इक्वेशन की इंटेग्रल फॉर्म लेंगे इसको हम इंटेग्रल फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा तो इसकी इंटेग्रल फॉर्म क्या है शाबाश इसकी इंटेग्रल फॉर्म है एन टी इज इक्वल टू एन जीरो और एन नॉट ई आर टी इसका मतलब क्या है एन टी रिप्रेजेंटि इट इज द पॉपुलेशन एट टाइम टी एन टी का मतलब क्या शाबाश इट इज द पॉपुलेशन एट टाइम टी ओके एंड इसके बाद एन नॉट और एन जीरो इट इज द पॉपुलेशन एट टाइम कौन सा टाइम है बेटा जीरो पॉपुलेशन एट टाइम जीरो इसके बाद आर है आर तो वही अपना है इंट्रेंसिक इट इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नैचुरल इंक्रीज इसके बाद क्या है बेटा ई e. ई e क्या है इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग जो मैथ थोड़ा सा जानते होंगे उनको ये इजी होगा So, this is equation number first. This is equation number second. Either we represent dn by dt is equal to Rn, or either in integral form, in the form of nt is equal to n0 ERT. These are the two representations of the same equation, and this equation represents what? It is the equation for exponential growth. इतना सारा याद करने के बाद इतना सारा ध्यान ध्यान दिमाग में रखने के बाद अब हम बनाएंगे ग्रोथ करो जिसको हम नाम देते हैं जे शेप्ड ग्रोथ करो आप दिस आर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो चलिए बेटा चलिए बेटा अब अगर हम पॉपुलेशन साइज जो इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टाइम तो वो जे शेप्ड ग्रोथ करो बनाएगा देखे कैसे इफ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओके यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ये लेंगे हम टाइम एक्सिस टी ठीक है एक्सपोनेंशियल और जे शेप्ड ग्रोथ कैसी होगी एक्सपोनेंशियल और जे शेपड ग्रोथ ऐसी होगी बेटा देखिए उसमें कुछ फेजेस होंगे पहला वाला फेज जो होगा ये होगा लैग फेज क्या होगा बेटा लैग फेज दूसरा फेज जो होगा ये होगा एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज इट इज एक्सपोनशियल फेज और लॉग फेज ठीक यहां से हम एक लाइन लेते हैं ऐसे इसका हम नाम लिंक बताएंगे नाम रखेंगे कैरियंग कैपेसिटी कैरियंग कैपैसिटी हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस भी किया कैरियंग कैपैसिटी दिस इज द कैरियंग कैपेसिटी ओके करो तो ये जो करो यहां पे आप देख रहे हो ये जे शेप्ड बन गई है ना इट इज जस्ट लाइक द अल्फाबेट जे तो इस जे शेप्ड करू में आप देख सकते हो इसमें कुछ फेजेस है लैग फेज लैग फेज में अगर हम देखेंगे यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो कम होगी यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ लेस होगी कम होगी यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ लेकिन एक्सपोनेंशियल फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम होगी यहाँ पे लेस के बदल बदले हम लिखेंगे मिनिमम और यहाँ पे क्या होगा बेटा मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ होगी अब अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ करती जाएगी करती जाएगी इट विल क्रॉस द लिमिट इट विल क्रॉस द कैरिंग कैपेसिटी जब ये कैरिंग कैपेसिटी के हदूद भी पार करेगी तो इस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अब फूड की प्रॉब्लम होगी स्पेस की प्रॉब्लम होगी कैरिंग कैपेसिटी तो सपोज यहाँ तक वन थाउजेंड इंडिजुअल्स आए वो तो एक हज़ार इंडिजुअल को सपोर्ट कर रही थी पॉपुलेशन ये कैरिंग कैपेसिटी वॉज फॉर वन हाँ, पर थाउजेंट पर्सनज और वन थाउजेंट इंडिजुअल्स लेकिन यहाँ से जो अब पॉपुलेशन बढ़ी है वो अब दो हजार की ओर बढ़ रही है इसका मतलब है अब ये तमाम इंडिजुअल्स को सपोर्ट नहीं करेगी जब तमाम इंडिजुअल्स को सपोर्ट नहीं होगा तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा जब ये ऑर्गेनज़म मरेंगे इनकी डेथ हो जाएगी अचानक अब ये मरेंगे क्योंकि इनके पास अब रिसोर्सेज नहीं होंगे कैरिंग कैपेसिटी से ये आगे बढ़ गए अब इनको क्रैश होगा अब ये इनकी डेथ हो जाएगी इस फेज को हम बेटा नाम देते हैं क्रैश फेज इसको हम नाम देते हैं कौन सा फेज शाबाश क्रैश फेज तो कितने फेज हैं शाबाश तीन फेज लैग फेज लॉग फेज एंड क्रैश फेज तो ये जो ये करू है ये जो ये कर्व है जे शेपड़। अगर हम इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे इन इट इज मैथमेटिकल फॉर्म सो ये क्या है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन जो अभी हमने इक्वेशन दिखाई तो ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है इट इज फॉर द एक्सपोनशियल ग्रोथ सो कंक्लूजन क्या निकला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ग्रोथ है जहां पे ग्रोथ करो कैसी दिखती है जे शेप्ड ग्रोथ करो ठीक है ना इट इज जस्ट लाइक द एल्फाबिट जे सो इट वॉज अबाउट द एक्सपोनैशियल ग्रोथ एंड जे शेप्ड ग्रोथ करो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक ऑन नाउ द लॉजिस्टिक ग्रोथ और एस शेप्ड ग्रोथ करो थैंक यू फॉर वॉचिंग